नमस्ते दोस्तों, मैं नीरज दुगर आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे मेरी HDFC रिगालिया से लेके HDFC इन्फिनिया तक की जर्नी। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये जर्नी कैसे पूरी की, 7-8 साल लगे मुझे इस जर्नी में, और मैं आपको ये बताऊंगा कि HDFC इन्फिनिया इतना इंपॉर्टेंट कार्ड क्यों है और ये इतना अमेजिंग कार्ड क्यों है। तो पहले तो हम लोग शुरू करेंगे HDFC इन्फिनिया के फीचर्स के साथ। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपकी ये रिक्वेस्ट रही कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना मिस करें और आपको समझ में आए कि आप ये HDFC इन्फिनिया जो अमेजिंग क्रेडिट कार्ड है वो कैसे पा सके। तो आइए शुरू करते हैं पहले HDFC इन्फिनिया के फीचर्स। एक शानदार कार्ड है, मेटल में आता है। अब जो नया कार्ड रिलीज हुआ है वो मेटल में आता है, तो एक बहुत ही प्रीमियम कार्ड जो आपके वॉलेट में जरूर होना चाहिए। इसके साथ बहुत सारी फीचर्स हैं। आपको कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्स मिलते हैं ITC होटल्स में। अगर आप 3 नाइट्स बुक करते हैं तो 3rd नाइट फ्री होता है। आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। आपको कॉन्सियार्ज का बेनिफिट मिलता है, तो कॉन्सियार्ज अगेन अमेरिकन एक्सप्रेस प्लेटिनम चार्ज कार्ड की तरह हो गया, जिसमें आपको 24/7 कॉन्सियार्ज का एक्सेस मिलता है। अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो आप कॉन्सियार्ज को कॉल करके करवा सकते हैं। उसके अलावा आपको मिलता है फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंट 5 पॉइंट्स मिलते हैं, तो 3.3% तक का रिवॉर्ड रेशियो वर्कआउट हो जाता है यहाँ पे। आपको मिलता है लाउंज एक्सेस फॉर यू एंड योर एड ऑन मेंबर, तो आपका और आपके एक और एड ऑन मेंबर के लिए अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस अक्रॉस द ग्लोब। ओके, तो ये भी बहुत शानदार बेनिफिट है, आपको मिस नहीं करना चाहिए। अब आते हैं हम लोग इस कार्ड के जो बेस्ट फीचर है इस कार्ड का, वो तो इस कार्ड में 3.3% रिवॉर्ड रेट तो आपको मिलता है, ये आपको पता है राइट। अब क्या करना है, इस कार्ड को आपको 3.3% से ज़्यादा रिटर्न्स कैसे लेने हैं। तो इस कार्ड में एक और बेनिफिट है, उसमें है आपको 5x और 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो ये जो 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो कैसे मिलता है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इनके थोड़े रिवॉर्ड पार्टनर्स हैं, तो अगर आप उनके थ्रू अगर कुछ शॉपिंग करते हैं तो आपको वो 5x पॉइंट्स मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप रिवॉर्ड पार्टनर्स से कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप अगर 100 रुपीज स्पेंड करते हैं तो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। तो 5x का मतलब क्या हुआ, 3.5% का 5, तो 16.5% तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं। मैं रिवॉर्ड पॉइंट्स पार्टनर्स की लिस्ट यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि कौन से रिवॉर्ड पार्टनर्स हैं इनके। इसके अलावा मैं मेजरली इस कार्ड को कहाँ यूज करता हूँ, इसके जो रिवॉर्ड पार्टनर्स है अमेजोन है फ्लिपकार्ट है, तो मैं जो भी मेरी अमेजोन की शॉपिंग होती है मैं वो इन रिवॉर्ड पार्टनर्स के थ्रू करता हूँ। आपको स्मार्ट बाय पोर्टल के थ्रू, HDFC का स्मार्ट बाय पोर्टल है, तो वो स्मार्ट बाय पोर्टल आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो पहला जो लिंक आएगा वो स्मार्ट बाय पोर्टल का आएगा, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ डालता हूँ। तो इसमें क्या है, आपको जो भी अमेजोन पे शॉपिंग करनी है या अमेजोन के स्मार्ट बाय के वाउचर्स खरीदने, तो ये स्मार्ट बाय पोर्टल के थ्रू जाके ही खरीदना पड़ेगा। तो वंस आप ये स्मार्ट बाय पोर्टल के थ्रू जाते हैं और अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, तो आपको वो 16.5% का रिवॉर्ड रेट किक इन हो जाएगा। आपको एक चीज ध्यान रखना है इन्फिनिया में, कि आपको जो मैक्सिमम पॉइंट्स है वो एक दिन में 7,500 पॉइंट्स मिलते हैं, ये जो रिवॉर्ड्स जो मोर देन 3.5% वाले रिवॉर्ड्स हैं, और इन अ कैलेंडर मंथ 15,000 पॉइंट्स से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकते। तो आपको अपने स्पेंड उसी हिसाब से प्लान करने पड़ेंगे। अभी इसके अलावा एक तो हो गया अमेजोन और फ्लिपकार्ट जहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, उसके बाद आज ही मैंने शॉपर स्टॉप पे यूज़ किया था इसको, जहाँ पे मुझे 16.5% रिवॉर्ड रेट्स मिला। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, अगर मैं फ्लाइट्स बुक कर रहा हूँ या फिर होटल्स बुक कर रहा हूँ तो भी मैं HDFC स्मार्ट बाय पोर्टल यूज़ करता हूँ। होटल्स में तो ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जनरली होटल्स में मैरियट के पॉइंट्स रिडीम करता हूँ, बट इसमें ये जो जब भी मैं फ्लाइट्स बुक करता हूँ तो स्मार्ट बाय के पोर्टल में ही करता हूँ, क्योंकि जितना भी मैं बुक करूँ मुझे 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। लास्ट मंथ तक January 31 तक ये 10x था, इसका मतलब 33% था, बट अब वो 10x से 5x हो गया, तो 16.5% ही रहा। 16.5% इज ऑल्सो नॉट बैड, शायद HDFC कुछ हायर वर्जन ऑफ HDFC क्रेडिट कार्ड लेके आ रहा है इसलिए उन्होंने डिवैल्यू कर दिया, बट इट इज स्टिल गुड, ये आपको अभी भी रखना चाहिए। मैं तो अभी भी यूज करूंगा, मैं अभी भी फ्लाइट टिकट इसमें ही बुक करता हूँ, तो मुझे वो 16.5% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। जब वो मुझे वो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, मैं क्या करता हूँ, मेरी जो अगली फ्लाइट होती है मैं इन रिवॉर्ड पॉइंट्स से बुक करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी अगली फ्लाइट की टिकट अगर 10,000 रुपये है, तो 70% मैं इससे रिडीम कर सकता हूँ। तो वंस आई रिडीम 70%, मुझे सिर्फ 3,000 रुपये मेरे वॉलेट से पे करने, और वो जो 3,000 भी पे करता हूँ मैं, उस पर भी मुझे 16.5% रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। तो मेरा नेट नेट कॉस्ट फ्लाइट का बहुत कम होता है। तो ये एक हो गया बेनिफिट इसका। अब आते हैं मेरी जर्नी के बारे में। तो ये जर्नी जो मैंने शुरू किया था HDFC के साथ, आई थिंक बैक इन 2012 या 13 में शुरू किया था, जब मेरा जो फर्स्ट क्रेडिट कार्ड था वो रिगेलिया फर्स्ट था। तो उस टाइम मेरा प्राइमरी क्रेडिट कार्ड हमेशा से HDFC ही रहा है। लास्ट 3-4 सालों से मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस भी यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो अब अमेरिकन एक्सप्रेस और HDFC मेरा प्राइमरी क्रेडिट कार्ड है। तो उस समय मैं क्या था, मेरा क्रेडिट लिमिट बहुत कम था। ओके, HDFC रिगेलिया तो आपको मालूम है अपने बेनिफिट्स के साथ नहीं आता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ते गए और जैसे जैसे मेरे स्पेंड्स बढ़ते गए, HDFC ने खुद ही मुझे मेरा क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करते गए वो लोग, और मुझे अपग्रेड करते गए। तो फर्स्ट मैं HDFC रिगेलिया से HDFC रिगेलिया पे आया,
फ्रॉम HDFC रिगेलिया फर्स्ट टू HDFC रिगेलिया, देन HDFC रिगेलिया मैंने एक दो तीन आई थिंक 3-4 साल के लिए यूज़ किया होगा। उसके बाद HDFC रिगेलिया के बाद मुझे HDFC डाइनर्स ब्लैक मिला। HDFC डाइनर्स ब्लैक के लिए मेरा क्रेडिट लिमिट समझिए आप 6-6.5 लाख के आसपास था, तो बैंक वालों ने अप्रूव कर दिया था। HDFC डाइनर्स ब्लैक भी फी के साथ आता था, तो मुझे फर्स्ट ईयर फ्री मिला था। सेकेंड ईयर मैंने मिनिमम स्पेंड ऑफ 5 लाख कर दिया था, तो मुझे सेकेंड ईयर भी फ्री हो गया था। तो 2 साल मैंने HDFC डाइनर्स ब्लैक रखा। उसके बाद लास्ट ईयर इन 2021 आई थिंक मैंने HDFC इन्फिनिया के लिए अप्लाई किया। ये कैसे हुआ? HDFC ने मेरा क्रेडिट लिमिट बढ़ा दिया था। अभी मेरा जो क्रेडिट लिमिट है वो 9 लाख के ऊपर है, तो HDFC ने धीरे धीरे मेरा क्रेडिट लिमिट बढ़ाते गए। क्रेडिट लिमिट आपका तभी बढ़ाएंगे वो लोग जब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो, आपने टाइम आप टाइम पे पेमेंट्स कर रहे हैं, आप यू नो कोई लेट पेमेंट ना कर रहे हैं और आप HDFC को ट्रबल नहीं कर रहे हैं। आप अगर उनके लिए अच्छे कस्टमर बने रहेंगे तो वो आपको अच्छा सपोर्ट भी देगा। तो आपको पहले HDFC को प्रूव करना है कि आप अच्छे कस्टमर हैं, ठीक है, तो आपका क्रेडिट लिमिट वो लोग बढ़ा देंगे। 8 लाख से क्रेडिट लिमिट ऊपर हो गया समझिए, 8 या 10 लाख के ऊपर, तो मोस्ट लाइकली आपको HDFC ये वाला कार्ड दे देगा। आपको उनको अप्लाई करना पड़ेगा ये कार्ड के लिए। तो आप उनको एक ईमेल एड्रेस पे, अगर अगर आपका क्रेडिट लिमिट 8 से 10 लाख से ज़्यादा है HDFC समझिए, अगर आपका HDFC डाइनर्स पे या फिर HDFC रिगेलिया में 8 से 10 लाख का क्रेडिट लिमिट है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस छोड़ूंगा, तो ये ईमेल एड्रेस लेके आप उनको ईमेल करिए और उनको बोलिए कि आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो 8 लाख के ऊपर है और आपको इन्फिनिया के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं गारंटी तो नहीं दे रहा हूँ कि वो लोग आपका ये रिक्वेस्ट अप्रूव करेंगे, बट देर आर चांसेस कि वो लोग आपका रिक्वेस्ट अप्रूव कर दें। अगर आपका रिक्वेस्ट अप्रूव कर देंगे तो इट्स अमेजिंग फॉर यू। ओके, सो नाउ पहली बात हो गई, क्रेडिट लिमिट से आप HDFC इन्फिनिया ले सकते हैं। उसके अलावा आप कैसे ले सकते हैं HDFC इन्फिनिया? ओके, तो एक और तरीका है, HDFC आपका इनकम टैक्स रिटर्न मांगेगा या सैलरी स्लिप मांगेगा। तो उस केस में क्या है, आपका सैलरी होना चाहिए मंथली 3.5 लाख से ज़्यादा, तो आपका जो एनुअल इनकम है वो 42 लाख से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको HDFC ये कार्ड देगा। तो मैंने जैसे बोला था ये बहुत ही प्रीमियम कार्ड है, तो अगर आपका क्रेडिट लिमिट 8 लाख से कम है बट आपकी इनकम इतनी है तभी आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सेम ईमेल एड्रेस पे ईमेल करना है, आप उनको बोलिए कि आपका मंथली इनकम इससे ज़्यादा है और आप इस कार्ड चाहते हैं, तो HDFC मोस्ट लाइकली आपका कार्ड अप्रूव कर देगा। वो लोग आपको एक फॉर्म भेजेंगे, आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा, वो फॉर्म भरने के बाद आप उनको वो कुरियर कर दें और एक 15-20 दिन में आपका कार्ड अप्रूव हो जाना चाहिए। अच्छा, अब आती है इसकी फीस के बारे में। तो इस जो कार्ड है इसका जो एनुअल फीस है, पहले 10,000 हुआ करता था, अब उन्होंने बढ़ा दिया है इसको 12,500 रुपीज़ पे। तो 12,500 पे अगर आपको जो नया कार्ड मिलेगा वो आपको इसी फीस पे मिलेगा। तो ये जो 12,500 रुपीज़ का जो फीस है, इसके अगेंस्ट आपको 12,500 पॉइंट्स भी मिलेंगे, तो आपके लिए वर्कआउट हो जाएगा, क्योंकि 1 पॉइंट का वैल्यू 1 रुपी है अगर आप इसको फ्लाइट्स होटल्स वगैरह में रिडीम करते हैं, या फिर थोड़े वेंडर्स भी है जैसे एप्पल हो गया या तनिष्क हो गया, उनके अगेंस्ट भी आपको 1 पॉइंट का 1 रुपी का वैल्यू मिलता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे 12,500 हर साल पे करना पड़ेगा क्या? नहीं, अगर आपके एनुअल स्पेंड्स 10 लाख से ज़्यादा है तो HDFC ये वाला जो फीस है वो रिवर्स कर देगा, ठीक है। अगर आपका एनुअल स्पेंड 10 लाख से कम भी होता है और आपको ये कार्ड चाहिए, तो क्या है, आपको एवरी ईयर वो फी पे करना पड़ेगा, बट फी के अगेंस्ट आपको 12,500 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये कार्ड आपके पॉकेट में 100% होना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फ्यूचर में HDFC एक नया कार्ड के साथ भी आने वाला है जो इससे भी ज़्यादा प्रीमियम होगा, तो ये अगर आपके पास ये कार्ड है आज की तारीख में तो आप उस कार्ड के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। बट अगर आपके पास दूसरे कार्ड है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अगर आपके पास ये कार्ड है और आप इसमें अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन कर रहे हैं तो आप दूसरे कार्ड्स के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो आपको ये वाला जर्नी ज़रूर पूरा करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि आप बेस्ट से बेस्ट कार्ड रख सकें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बताएं आप क्या करने वाले हैं, आप कमेंट करके बताएं मुझे कि आपका क्या स्ट्रेटेजी रहेगा। आपने अगर आपके पास अगर इन्फिनिया है तो आप मुझे बताएं कि आपने ये इन्फिनिया कैसे लिया, आपका भी जर्नी सेम था या कुछ अलग था। ओके, अगर कुछ अलग था तो मुझे बताएं, क्योंकि मुझे भी लर्निंग मिलेगी और मैं भी शेयर कर पाऊंगा दूसरों के साथ कि और क्या क्या तरीके हैं HDFC इन्फिनिया लेने के। आप मुझे बताएं अगर आप ये कार्ड लेने में इंटरेस्टेड है तो आपने ये जो भी स्टेप्स है वो फॉलो किए या नहीं किए, आपको कार्ड मिला या ना मिला, आप मुझे ज़रूर बताएं, तो फीडबैक मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।